केशव और अखिलेश एक साथ एक मंच पर दिखे तो हिल गए सियासी दुश्मन। भाजपा ने दिया स्टूल लेकिन सपा ने कुर्सी पर बैठाया। तंज कसा तो छिड़ गई केशव और केशव की लड़ाई। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ नया गठबंधन यूपी में क्या गुल खिलाएगा? क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट सपा के साथ आएगा? देखिए सपा और महान दल के बीच क्या हुई डील और क्यों इस बार चर्चा कम और रणनीति अहम से तय हो रही भागीदारी। लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त शेष नहीं है। सपा के साथ एक एक करके पुराने सहयोगी दल फिर से साथ आने का प्लान बनाने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के मुरीद रहे केशव देव मौर्य ने मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा के साथ आने का ऐलान किया तो फिर से नई सियासी करवट दिखाई दी। अब सपा ने महान दल के साथ मिलकर चुनावी रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। कई सीटों पर सपा और महान दल का गठबंधन मध्य प्रदेश में जीत का आंकड़ा तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कल जब केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ मंच से दहाड़े तो कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। खुद महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने भाजपा के केशव यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आईना दिखा दिया। केशव देव मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को ये मंच ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई के साथ रहने का फायदा क्या होता है। समाजवादी पार्टी की रैली में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बराबर का सम्मान मिला। भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाकर और ओम प्रकाश राजभर को पीछे खड़े रहकर ही संतोष करना पड़ा। मध्य प्रदेश चुनाव में सपा अपने पुराने सहयोगी महान दल के साथ गठबंधन कर भाजपा का मुकाबला कर रही है। ये गठबंधन चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की हार के बाद बिखराव शुरू हो गया था। महान दल ने सपा का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य को गिफ्ट की गई फॉर्च्यूनर कार वापस ले ली थी। उस वक्त केशव देव मौर्य को बेकार किए जाने का मामला काफी चर्चाओं में रहा था। इस गठबंधन को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अखिलेश यादव का लगातार प्रयास है कि समान विचारधारा वाले दल जिनका लक्ष्य इस जन विरोधी संविधान और लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाने का है, वो साथ आए। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ पक्षपात किया। सपा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य सपा और समाजवादी लोगों का है, कांग्रेस का लक्ष्य शायद कुछ और ही है। इसीलिए सपा ने महान दल के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में भाजपा को हराने का गठबंधन तैयार किया है। मध्य प्रदेश में हुए इस गठबंधन को लेकर महान दल के चीफ केशव देव मौर्य का कहना है कि सपा और महान दल में एक बार फिर से गठबंधन हो गया है, इसीलिए अखिलेश यादव का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एमपी की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी वापस लिया तो फिर ये सीट महान दल के खाते में चली गई। पृथ्वीपुर के साथ ही टीकमगढ़, मुरैना और सबलगढ़ सीट भी महान दल को दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूटने के बाद महान दल का रास्ता अलग हो गया था और केशव देव मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में केशव देव मौर्य ने नारा दिया था, महान दल का नारा है बसपा को जिताना है। इस कार्यक्रम के बाद जब उम्मीद जताई गई कि बसपा के साथ उनका गठबंधन आगे हो जाएगा, लेकिन बसपा की ओर से जब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, तो फिर केशव देव मौर्य ने फिर से सपा के साथ आना ही अच्छा समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।